I'm thankful to SIBS tutorial who have invited me to talk on this of the topic of first year. And we are going to discuss on these are the things which are common in English language. Or whenever we are talking to any the person, so what are the things which are common in their type? So first of all, I have to introduce myself. So I'm going to account myself here that I am educationist and my moniker is Mohsin Ali by your Sheikh Imam Vatutu Gamba, and my credential is C2 and BA honors. And I am also English language trainer and many of the things which are coming to the end that I will stage our first here. So we are going to discuss on English language. हम आज इंग्लिश लैंग्वेज पे बात करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखी जाए, हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश. और वी हैव द लैंग्वेज विच वी हैव लर्नड हियर, बट व्हेन एवर वी आर ट्राइंग टू स्पीक द वर्ड्स ऑन आवर कॉमन, और वी हैव वॉच्ड अ पर्सन, हमने किसी बंदे को देख लिया, तो अभी वो जो बंदा बोलेगा तो हम कहते हैं अल्लाह दिस इज द सेम, क्यों इंग्लिश कर रहा है, उसको देखो तो कैसे इंग्लिश बोल रहा है, उसकी फ्लुएंसी देखो, उसका वे देखो, उसका मेथड देखो, हमें क्या लगता है, व्हाट वी आर थिंकिंग कि ये इतना अच्छा कैसे कर रहा है, ये हमें लग रहा है, दैट इज अ थिंकिंग ऑफर्स, ये हमारी सोच है, मगर उस बंदे की ही और शी हैज नॉट टेकन एट द टाइप ऑफ सिचुएशन और थिंकिंग और द डीमिंग स्टाइल ऑफ द ईयर, सो वी हैव मैथ्स इट अबाउट थिंग्स, हम पहली बार सुन रहे हैं, डजंट मीन दैट कि वो पहली बार बोल रहा है. तो आज हम बात करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे सीखा जाए, इंग्लिश लैंग्वेज को हम कैसे आसान कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, जैसे इंग्लिश को एक बहुत बड़ी बला बना दिया गया है हमारी सोसाइटी में, असा पांची सोसाइटी में इंग्लिश के एक वो दुखियों कम बनाए छो गल ही नहीं सकता, असा जैसे दुखियों आयो वरी कें का सलाह वा तो सलाह असा की मिली है तो ढो दुख इंग्लिश न गलाय सो गलाय वो तक वोकेबलरी खपे, नाउन अचन घुर्जे, वर्ब अचन घुर्जे, प्रोनाउन अचन घुर्जे, एडजेक्टिव अचन घुर्जे, वो दुख्या दुख्या असा मेथड टाइ दिना है, हे भी पढ़ो, हे भी पढ़ो, हे भी पढ़ो, सजी ग्रामर के कवर कद, टेंसिस के कवर कद, फलान कद, हे कद, इंग्लिश लैंग्वेज गलाय सोता. माई क्वेश्चन इज दैट मैं आप सबसे ये पूछ रहा हूँ कि जब हमने सिंधी लैंग्वेज सीखी थी, जब हमने उर्दू लैंग्वेज सीखी थी, तो क्या ये चीज़ें वहाँ पर आई थी, चाहे असा सिंधी पढ़ने लायक को नाउन पढ़े हुए उसे, चाहे असा सिंधी पढ़ने लायक को प्रोनाउन पढ़े हुए उसे, चाहे असा सिंधी पढ़ने लायक कोई वर्ब पढ़े हुए उसे, असा कुछ भी न पढ़े उसे. एंड वी हैव न स्पीक इन हेयर, एंड हम सिंधी लैंग्वेज में बात करते हैं, उर्दू लैंग्वेज में बात करते हैं, जो लैंग्वेजेस हमने सीखी हैं, जब हम वहाँ पे नाउन हमने नहीं पढ़ा, हमने वहाँ पे प्रोनाउन नहीं पढ़ा, हमने वहाँ पे वर्ब नहीं पढ़ा, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में ये क्यों चीज़ें मर्ज करते हैं, व्हाई वी हैव मर्जिंग दीज आर द थिंग्स एंड वी हैव मेड इट अ डिफिकल्ट, हमने बहुत डिफिकल्ट बना दिया है इंग्लिश लैंग्वेज को, ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता. हम सिंधी में बात करते हैं, असल सिंधी में गलाइंदा आहियूं, पोइ जॾहिं असां ॻाल्हाईंदा आहियूं त ऑटोमेटिकली वर्ड्स ईंदा आहिनि, ॻाल्हाए वेंदा आहियूं, ऐं जॾहिं वरी असां इंग्लिश में ॻाल्हाईंदा आहियूं असां न ॻाल्हाए सघंदा आहियूं, सोचींदा आहियूं ॾाढो, छो सोचींदा आहियूं, हाणे क्वेश्चन इहो थो थिए, जॾहिं आकाशी अची वई, असां जॾहिं सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं न त डायरेक्ट सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं, सिंधी में सोचींदा आहियूं, जॾहिं असां उर्दू ॻाल्हाईंदा आहियूं त असां उर्दू में सोचींदा आहियूं, पर जॾहिं असां इंग्लिश ॻाल्हाईंदा आहियूं न त असां इंग्लिश में न ई सोचींदा, पहिरियां पहिरियां असां सिंधी में सोचींदासीं, सिंधी उहा जेका ॿोली असां सोची आहे न पोइ उनखे असां कन्वर्ट कंदा आहियूं, उनखे कन्वर्ट करे इंग्लिश में आणींदासीं, नाउन ॻोल्हींदासीं, वर्ब ॻोल्हींदासीं, प्रोनाउन ॻोल्हींदासीं, अहिड़ी क़िस्म जी शइ ॻोल्हींदा आहियूं, पोइ ॻोल्हे 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 वरी द फियर वी हैव टेकन एट द टाइम, एक डर सां दिमाग़ में रह जाता है, दिलि में रह जाता है, हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, ग़लति कर रहा हूं, स्ट्रक्चर गलत हो जाए, कोई यार मुझ पे हंसेगा तो पता नहीं मैं क्या करूँगा, मुझे कोई खिली न वटे, मुझे कोई हुटिंग न करे, मुझे कोई तंज न करे, तो अड़ी किस्म जो असा जो सोचू रखासी न, वी कैन नॉट लर्न, वी कैन नॉट स्पीक. थोड़ो आहिस्ता तो गलाया, आई एम हैबिचुअल स्पीक सो फास्ट, जल्दी जल्दी बोलते जा रहा हूँ, मे बी यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट, सो वी आर टेकिंग इट स्लोली. एक बच्चा होता है, कोई बार आए, पोइ जॾहिं ॿारु पैदा थींदो आहे, ॿार खे काई बि ॿोली न ईंदी आहे, पोइ उन ॿार खे असां उर्दू सेखारियूं, उर्दू सिखी वेंदो, अंग्रेज़ी सेखारियूं, अंग्रेज़ी सिखी वेंदो, उनखे असां चाइनीज़ सेखारियूं, चाइनीज़ सिखी वेंदो, हाणे ॾिठा आहिनि हिननि जा चाइनीज़ वारनि जा ॿार शुरू हूंदा, अॻे तूं पवंदव छा कांगो या गोपा ते छा था छा साओ छा का पवला, हुनजी ॿोली हूंदी आहे, पोइ उहे हण 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 असां न आहियूं सम्झंदा, पर उहे ॿोली सिखी वेंदा आहिनि, पोइ असां सिखंदा कीअं आहियूं. हाणे क्वेश्चन इहो थो थिए त असांजो ॿारु सिखी वञे थो, जेकॾहिं ॿिनि सालनि जो ॿारु ॿोली ॻाल्हाए थो त असां एॾा वॾा आहियूं, एॾो पढ़ियो आहे, असां प्रेप जा क्लासिस पढ़ियासीं, प्रेप वन में साल पढ़ियो, प्रेप टू में साल पढ़ियो, प्रेप थ्री में साल पढ़ियो, ठीकु आहे, टे साल हे पढ़ियासीं, उन खां पोइ असां वन खां वठी असां ॿारहें क्लास ताईं पढ़ियोसीं, माना हे असांजा घणा थिया, ॿारहं साल हे थिया ऐं टे साल असांजा हे थिया, पंद्रहं साल पढ़ियो आहे, असांखे हर शइ अचे थी, हिकिड़ी ॻाल्हि विसारे छॾी त मूंखे वोकेबलरी न आहे,
वॾी में वॾो फाल्टियो आहे त असां चवंदा आहियूं असां वटि वोकेबलरी न आहे, वी डू नॉट हैव वोकेबलरी। जब वोकेबलरी नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे? अरे भाई दूसरी वोकेबलरी को छोड़ो, उसकी क्यों बात करते हो? वरी असां ॻाल्हाईंदा आहियूं, असां जॾहिं ॻाल्हाईंदा आहियूं त असां चवंदा आहियूं त मां ॻाल्हायां पियो फलाणी शइ जी, मूंखे माना ई न पई अचे, मूंखे अंग्रेज़ी न पई अचे, हुनजी अंग्रेज़ी न ईंदी त मां ॻाल्हाईंदमि कीअं? हाणे इहा त असां शइ खणी छॾीसीं त असांखे अंग्रेज़ी नथी अचे, असांखे फलाण नथो अचे, असांखे वर्ड नथो अचे, हिकिड़ो वर्ड नथो अचे, उनजे करे तव्हां पंहिंजो ॻाल्हाइणु बंदि करे छॾियो। ऐं उनखां पहिरियां जेके तव्हांखे पंज वर्ड अचनि था, तव्हां उन्हनि खे नथा ॾिसो। यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट टाइप ऑफ थिंग। आप उनको क्यों नहीं देखते? जो चीज़ आती है उनको भी तो देखें ना। एक चीज़ नहीं आती हम उस पर आगे रुके कि हमें भाई नहीं आ रही है। चलें वोकेबलरी, वोकेबलरी इज़ समथिंग एल्स। वोकेबलरी हिकिड़ी एक्स्ट्रा शइ आहे लैंग्वेज सां, इन जो जॾहिं सिखंदड़ सां कोई भी ताल्लुक़ु नाहे, कोई भी वास्तो नाहे। असां जेकॾहिं मां ॻाल्हायां थो, इफ़ आई एम टॉकिंग, आई एम स्पीकिंग विद यू ऑल, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो वोकेबलरी तो एक दूर की बात है, हिकिड़ो परे वारो कनेक्शन आहे। जेका वोकेबलरी ऑलरेडी असां वटि आहे उनखे त असां पढ़ूं। पहिरियां असां हिकिड़ी शइ जेका असां वटि मौजूदु आहे असां उनखे अञा ताईं कवर नाहे कयो, त असां ॿिनि शयुनि जे कारे था वञूं। हाणे मिसाल वठूं था, असां वोकेबलरी चवंदा आहियूं छिके छिके, असांखे कंहिं तव्हां कंहिं वरी उस्ताद खां पुछंदो न, उहो असांखे चवंदो आहे त मूं वटि छिके छिके 100 वर्ड हूंदा, छिके छिके 200 वर्ड हूंदा, छिके छिके 300 वर्ड हूंदा, वधि में वधि ॿियो छा? अहिड़े क़िस्म जो क्वेश्चन अराइज़ थींदो आहे। पोइ हाणे असां मिसाल वठूं था वन क्लास जे ॿार जो, पोइ वन क्लास खे असां ए सां 3 वर्ड पढ़ाईंदा आहियूं, बी सां 3 वर्ड पढ़ाईंदा आहियूं, सी सां 3 वर्ड पढ़ाईंदा आहियूं, मतिलबु 26 जेके आहिनि, 26 हिकिड़ा वर्ड पढ़ाईंदा आहियूं, ए टू ज़ी 26 ॿिया पढ़ाईंदा आहियूं, ऐं 26 टियां पढ़ाईंदा आहियूं। एतिरा वर्ड ॿार खे यादि हूंदा आहिनि। हाणे 6 × 6 = 12, 12 × 6 = 18, 8 × 8 = 36, 78 words of English language, English के 78 words उसको आते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड हैं। हम उसको पढ़ाते हैं कि 10 एनिमल्स के नाम हैं, 10 फ्रूट्स के नाम हैं, 10 बर्ड्स के नाम हैं, 10 इंसेक्ट्स के नाम हैं, 10 फैमिली रिलेशंस के नाम हैं, 10 कलर्स के नाम हैं। मीन्स इसके अलावा भी बहुत सारे हम वर्ड बच्चों को याद करवाते हैं, पढ़ाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो वर्ड ही थी गया। अच्छा बैबी अलाई कितना, मतलब काफ़ी सारा, कम से कम जितने अगर हम इस चीज़ का हिसाब करें तो बच्चे को असांजे ॿार खे कम से कम भी 150 वर्ड ॿार खे वन क्लास जे ॿार खे ईंदा आहिनि। वरी जॾहिं उहो ॿार 2 क्लास में हिकिड़ी वरी असां हुनखे ॿार खे रटूं हणाए करे असां हुनखे पढ़ाए छॾीसीं, भई इहा आपको यादि कनि यहां से लेकर यहां तक 20 वर्ड्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड एंड टुमारो आई हैव टू लिसन दीज वर्ड्स। मैं आपकी ये वर्ड सुनूंगी, मैं आपकी ये वर्ड सुनूंगा। हमने बच्चे को रटा लगवा दिया। जब वो बच्चा 3 क्लास में आया, फिर उसको एक बुक थमा दी, उसको बुक याद करवा दी, बुकी असां पढ़ी छॾिया, असां गंजो अची वियो आहे असां वटि कंहिं शइ जी कमी न आहे, असां हद खां वधीक पढ़ी चुका आहियूं। असां इहो पढ़णु कहिड़े कम जो आहे, जेको असां हणाए कलेक्ट करंदे को इस्तेमालु आहे? ॿिनि वर्ड्स खे छॾे ॾियो, लीव द वोकेबलरी, लीव द नाउन, लीव द प्रोनाउन एंड वट एवर नॉलेज यू हैव टेकन अप, द थिंग विच यू हैव टेकन, द थिंग विच यू हैव कलेक्टेड, द थिंग विच यू हैव लर्न, द मटीरियल, द नॉलेज यू हैव टू यूज़। आपने जो पहले कलेक्ट किया है आप उसको तो इस्तेमालु करें, तव्हां उनखे त इस्तेमालु कयो न। हाणे असां हिकिड़ियूं शयूं जेके असां वटि आहिनि असां उन्हनि खे इस्तेमालु कयूं कोन था, ऐं नयुनि शयुनि जी कढायूं। हे बि सिखणो आहे, मूंखे बायो सिखणी आहे, मूंखे केमिस्ट्री सिखणी आहे, मूंखे फिज़िक्स सिखणी आहे, मूंखे पाकिस्तान स्टडी सिखणी आहे, काफ़ी सारियूं शयूं असां दिमाग़ में रखी वेठायूं था, पर इस्तेमालु कंहिंखे बि नाहे करिणो, ॻाल्हाइणो कंहिंजे बि अबाउट नाहे। चलो ठीकु आहे, असां इंग्लिश लैंग्वेज जी ॻाल्हि कयूं था। पोइ जेकॾहिं मां इंग्लिश लैंग्वेज जी हाणे अचूं था इंपोर्टेंट्स ते, पोइ हिनखे कनेक्ट था कयूंसि। इंपोर्टेंट्स छा आहे इंग्लिश लैंग्वेज जी? मूंखे मां पंहिंजो मिसाल थो ॾियां तव्हांखे, जेकॾहिं मूंखे मिसाल जस्ट लाइक आई डोंट नो अबाउट दीज आर द सब्जेक्ट, फर्स्टली आई एम सेइंग दैट, मैं पहले ही आपको बता दूं कि मुझे ये सब्जेक्ट्स नहीं आते, फिर भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मुझे फिज़िक्स हद से ज़्यादा आती है, मैं फिज़िक्स में मास्टर हो गया, ठीक है, तो मैं केमिस्ट्री में मास्टर हो गया, मूंखे केमिस्ट्री भी हद खां वधीक ईंदी आहे, मूंखे फिज़िक्स भी हद खां वधीक ईंदी आहे, मूंखे पाकिस्तान स्टडी भी हद खां वधीक ईंदी आहे, मूंखे ॿिया सब्जेक्ट, हे सब्जेक्ट, हो सब्जेक्ट, सॼा सब्जेक्ट मूंखे ईंदा आहिनि, मूंखे सभिनी सब्जेक्टनि जी नॉलेज आहे। वरी उनखां पोइ असां हिकिड़ो ॿार, हिकिड़ो छोकिरो कयोसीं, ॿार कयोसीं, स्टूडेंट कयोसीं, टीचर कयोसीं, कोई बि एक्स वाइज़ ई असां हुनखे खयोसीं, हिते बीहारियोसीं, पोइ उनखे कुझु बि न ईंदो आहे, उनखे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इंग्लिश ईंदी आहे, उहो इंग्लिश ॻाल्हाए वेंदो आहे, बाक़ी उनखे न फिज़िक्स जी ख़बर, न साइंस जी ख़बर, कंहिं शइ जी ख़बर न अथसि। जॾहिं असां ॿई वेंदासीं न ॿाहिरि त सोसाइटी मूंखे रिस्पेक्ट न ॾींदी, सोसाइटी हुनखे रिस्पेक्ट ॾींदी। असांजे मुआशिरे में जेको इंग्लिश ॻाल्हाईंदो आहे, हालांकि ईअं न आहे न, मां पहिरियां ॿुधाए छॾियां,
जिको इंग्लिश गलहाइंदो आ उनके होशियार समझिंदो आ जकरी कोई भी इंग्लिश गलहाइंदो हम कहते ये बंदा भाई पूछो ही मत यार ऐसे बोलता जा रहा था पागल बना दिया चरियो करे चनी एडी पे गलाए पो असा वट जको इंग्लिश गलहाइंदो आ ने उनके होशियार चोइंदो आ भले ब्या केतरा भी सब्जेक्ट छा भी छन हाने मां भी वना तो ते हो भी वनी तो मां छा बायोलॉजी में गलहाइनम उनन सा गलहाइनम केडी बोली में गलहाइनम बायोलॉजी में गलहाइनम हा उनन सा केमिस्ट्री में गलहाइनम फिजिक्स में गलाइंदम मैथमेटिक्स में गलाइंदम की गलाइंदम केडी बोली में गलाइंदम हाँ मां चुप करे उदे बैठो नम खेस आई डोंट नो टू स्पीक मुझे बोलना नहीं आता और उसको कुछ भी नहीं ना आंखे व्हाई द क्वेश्चन आफ्टर्स व्हाट यू हैव मैड इन योर माइंड ओ आस्क मी देयर दिस इज अ कॉमन थिंग उसने क्या किया दो जुमले बोल दिए वो बंदा बोलेगा भाई उसको मैंने देखा यार ऐसे बोलता जा रहा था बोलता जा उसकी जगह कोई टैलेंटेड बंदा है ही नहीं उन्हें जरूरत को आ ही ना हालांकि होशियार की रहा मां या छो जो मुझे सब सब्जेक्ट अचंदा आई हुन के सिर्फ ही सिर्फ इंग्लिश गलाण थी अचे वो असा जी सोसाइटी में जो को इंग्लिश गलाई दुआ उन के होशियार समझो दुआ जो को इंग्लिश न गलाई दुआ वो केडो होशियार हो जे ना असा उन के पोते करे चडी नयो जो जो असा जो हर सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश असा जी जरूरत आ असा चाहू या न चाहू हम चाहे या ना चाहे हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि जंगल में भागने वाले के दो किस्म होते हैं एक होता है शेर दूसरा होता है हरन एक होता है शेर दूसरा होता है हरन शेर क्या करता है जान निकालने के लिए भागता है और हरन क्या करता है जान बचाने के लिए भागता है हरन छा कंदो पांजी जान बचाई दुआ आई शी छा कंदो जान उन जी हासिल करने दा बजदो असा जिकने पांजी एजुकेशन जो पांजो पान के असा पार्ट बनाए छडियो आ त असा की करनो पवंदो सिखनो पवंदो पढ़नो भी पवंदो हर शी कड़ी बने जिकने असा पांजी मर्जी सा कंदासे त शेर सडराइंदासे जिकने मजबूरी में कंदासे त असा हरण हरणी सदाईंदे हरणी की जिंदगी से कोई भी भरोसा ना हों तो वो कैमल भी शिकार थी सके थी पो जिकर करणो ही आए तो हरणी थी करे छो क्यों असा शेर थी करे छो न क्यों वो असा अचुता इन शेर से जिकर असा इंग्लिश गलाइणी है कुछ भी असा चाहूँ न चाहूँ मां केड़ी भी चवाना मुझे नफरत आ इंग्लिश से इंग्लिश नो गल चाहें इंग्लिश की कि बोली आ न अंग्रेजन वाली बोली अस छो गए मुझे सिंधी बोली से प्यार तुखे सिंधी बोली से प्यार असि सिंधी बोली जी काई भी बोली ना है सभी का जो पे बोली असि सिंधी बोली आ छो जो असा अम्मी के पेट में यह बोली सीखी आ अम्मी की झोली में असा यह बोली सीखी आ पाँच सोसाइटी में असा यह बोली सीखी आ पे नंबर से असि बोली आ जैसे अस सीखी वे सिंधी असा सीखी वे उन असा अचो जी इंटरनेशनल लैंग्वेज आ जे लैंग्वेज करे असा के होशियार समझो तो वे जे लैंग्वेज के असा अकेंजी भी सोच चेंज नथा करे सकूं मां एकड़ी जी सोच चेंज कई बे जी कई टे जी कई चौथे की बंद पांच तो शुरू थी आखे तो हम बात कर रहे थे वी वर टॉकिंग ऑन दैट के इंग्लिश लैंग्वेज इज अ नीड आफर्स ये जरूरत है हम चाहें या ना चाहें हमें सीखना पड़ेगा असा चाहूँ था या नथा चाहूँ सीखनी पवंदी तो इन मजबूरी के इन जरूरत के जिकर तुम थोड़ा पाँच कॉन्फिडेंस में चेंज कर जिकर इन के पैशन में चेंज कौन ऑटोमैटिकली एंड ईजीली वी कैन हम आसानी से सीख सकते हैं हम आसानी से बोल सकते हैं हम आसानी से जो चाहें कर सकते हैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा मैं हर लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ तो अब आते हैं हाँ खबर आ मुख्य तेज जहन में शे हल्दी तुम चो ये तो आयो वे वे हवाल करे वो हेडो जो गाल कई होडो जो गाल कई हाँ असि घर की इनके कड़ी खबर तो मुझी माँ की मुझो पी की मुझे घरवारा मथो ही खाई वादा हाँ वो अलग छा वेटा गल पढ़ ही ना ईंदा जैसे मैं उन्होंने इंग्लिश गलाई अम्मी वेलन खड़ी वाई थी चंदी अड़े सजो ओडी वेटो तो इंग्लिश गलाएं बस नी अचे गलत तो गलाएं मूँ चुकू कड़ा मिस्टेक्स कड़ा वो अड़े किस्म जो शे थी असा न गलाएस गलाइंदे तो असि सोसाइटी पोते कर छी थी असा को कुछ चवो कोई खिलन कोई तंजिया कह को फलान कह को टीर कह सीखी नो पान के पोते कर वे रहे पर वाई आर यू थिंकिंग अबाउट अदर्स उनके बारे में क्यों सोच रहे हैं मैं जानता हूँ आई नो मुझे पता है मुख्य खबर आ चवण तो सवलो आई छ करण ढो दुख करण लाए वही ताकत खबे मेहनत खबे माँ भी किया आई हैव डन हियर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ मैं अम्मी के आई हैव न लर्न फ्रॉम द बॉडी ऑफ माय मदर मैं कोई अम्मी के पेट से सीखी नहीं रहा मैंने भी आप ही की तरह किसी को सुन के मैंने भी आप ही की तरह किसी जगह पे बैठ के किसी स्कूल को ज्वाइन करके किसी अकेडमी को ज्वाइन करके किसी नेटिव स्पीकर को ज्वाइन करके ऑनलाइन कोर्सेज करके मैंने भी आप ही की तरह इंग्लिश सीखी है मुझे मीन्स मैं बचपन में नहीं सीखा था ई ना है तो मैं ऑस्ट्रेलिया में जमी हुयमि यूके में जमी हुयमि या अमेरिका में नंढो थी वॾो थी वियां उनजे करे मां ॻाल्हाए वञा थो वो आहे छा ॻाल्हि छा आहे वोकेबुलरी वोकेबुलरी ते असां ॻाल्हायूं पिया जेका वोकेब आहे उनखे इस्तेमालु कयो उनखे ॻाल्हायो पहिरीं पहिरीं ॻाल्हि
when you have to speak English language, हम बात करते हैं जो चीज़ जो इरर आता है हम पे बंदे तंज करते हैं, घर वाले तंज करते हैं, लोग बोलते हैं अरे अरे भाई पागल हो गए हो गया कि दोस्त जा गया उसे दोस्त अरे यार चरी वहाँ अच्छा जे मिले मथोई खाई चुप न दिए जाए चुप करी वे थोड़ो सुकून भी करें इंग्लिश छो तो ॻाल्हाए मूंखे बि ईंदी आहे हालांकि ईंदसि कोन हुनखे पोइ बि चवंदो मूंखे बि ईंदी आहे इंग्लिश ॻाल्हाइण खे छा छॾेसि इंग्लिश खे माना इंग्लिश खे असां हुनखे पोइ थी कराए छॾींदा आहियूं हाणे असां अचूं था पोइ असां कीअं सिखूं अहिड़े क़िस्म जे इनवायरमेंट में घर वारनि जे इनवायरमेंट में अहिड़े तरीक़े सां ॿोली सघूं जो अमीअ जे वेलणनि खां बि बची वञूं अबू जे धड़कनि खां बि बची वञूं दोस्तनि जे तंज खां बि बची वञूं ऐं सोसाइटी खां बि बची वञूं पंहिंजो पाण सां ॻाल्हायो टॉक टू योर सेल्फ आप किसी बंदे पर डिपेंड नहीं रहे कंखे तव्हां कंहिंजे डिपेंड न रहो असांखे माण्हू न खपे त असां हुन सां ॻाल्हायूं इहा पोइ जूं शयूं आहिनि जॾहिं तव्हां सिखी वेंदो यू विल हैव फाउंड द मैन द पर्सन रेडी टू टॉक टू यू बहुत सारे बंदे आपसे बोलने के लिए हाज़िर हो जाएंगे अब हम बात करते हैं अगर सीखना है तो आपको खुद से बात करनी है आपको खुद से क्वेश्चंस करने आपने क्या किया आपने क्या करना चाहा आप क्या करना चाहते थे आप क्या नहीं कर सके वो जो सारी चीज़ें ना कम से कम भी तव्हां 30 मिंट पंहिंजो पाण खे ॾियो पंहिंजो पाण सां ॻाल्हायो पंहिंजो ख़्वाहिशूं पंहिंजो पाण खे ॿुधायो असां सभिनी खे टाइम ॾिनो हिनखे अबू खे टाइम ॾिनो अमी खे टाइम ॾिनो अदी खे टाइम ॾिनो अदा खे टाइम ॾिनो दोस्तनि खे टाइम ॾिनो सभिनी खे टाइम ॾिनो बट वी आर नॉट गिविंग द टाइम टू अवरसेल्व्स हियर हम ख़ुदि को टाइम नहीं ॾींदा असां पाण खे टाइम न ॾींदा पोइ पंहिंजो पाण खे टाइम ॾियो हाणे पंहिंजो पाण खे नथो अचे कोई मसइलो न आहे इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी अदर थिंग अगरि मैं किसी चीज़ के बारे में बात कराऊं उन मूंखे इंग्लिश नथी अचे नथी अचे केरु आहे 9 मीटर कोई मसला ई नी यादि आहे न उसको छोड़ दो उनखे छॾे ॾियो नथो अचे न उनखे सिंधी में ॻाल्हायो उनखे उर्दू में ॻाल्हायो ज़रूरी न आहे त सॼी अचे आहिस्ता लर्निंग थींदी आहे अगरि आपको यस आ रहा है साओ से यस इफ यू आर नेवर टू स्पीक नाओ देन से नाओ इफ यू नाओ टू स्पीक कम हियर यू हैव टू से कम हियर इफ यू नॉट टू स्पीक गाओ देयर यू हैव टू से गाओ देयर आपको जितना आता है वो तो करके दिखाएं पहिरां जेको अचे थो उनखे त इस्तेमालु कयूं उन ते त कमु कयूं उन खां पोइ परे जूं ॻाल्हियूं आहिनि त असांखे हे बि करिणो आहे असांखे हो बि करिणो आहे असांखे हीअं बि करिणो आहे हिन सां ॻाल्हाइणो आहे हुन सां ॻाल्हाइणो आहे हिकिड़ो हूंदा आहिनि कॉन्फिडेंट बंदो ॿियो हूंदो आहे जिन में कॉन्फिडेंट न आहे हूंदो हिकिड़ो कॉन्फिडेंट इन लाइ आहे छो जो उनखे मौक़ा मिलिया आहिनि ऐं हिकिड़ो बंदो इन लाइ कॉन्फिडेंट न आहे छो जो उनखे मौक़ा न आहिनि मिलिया मौक़ा मिलिया न आहिनि ईंदा मौक़ा वठणा पवंदा आहिनि इहे तव्हांखे पाण खे मौक़ा वठणा पवंदा इन्हनि मौक़नि खे पाण खे ॻाल्हाइणो पवंदो जॾहिं तव्हां इफ़ यू हैव मैड योर सेल्फ परफेक्ट एट दैट टाइप ऑफ स्टेज इफ़ यू मैड योर सेल्फ कंज्यूमेट आपने जब ख़ुदि को परफेक्ट बना दिया तो सारे के सारे लोग जो आप पे तंज करते थे जो सारे के सारे लोग आपको कुछ समझते ही नहीं थे वे हैव टू पॉइंट आउट एट यू वो आप पे इशारा करके बोलेंगे कि भाई सलाम है आपको आपने इतना सब कुछ कैसे कर लिया बट द थिंग आपने इसको गेम की तरह लेना है जैसी ताईं असां कंहिं कम खे गेम जो हिसो न था बणायूं रांदि जो हिसो न था बणायूं तेसीं ताईं असां सिखी न सघंदा आहियूं बाक़ी आहे हणा दिमाग़ में हणो आहे वी हैव टू कीप दीज आर द वर्ड्स इन अ माइंड वी हैव टू नो अबाउट नाउन वी हैव टू स्टडी द 10 टाइप्स ऑफ नाउन वी हैव टू स्टडी द 20 टाइप ऑफ प्रोनाउन हमने सारी चीज़ों को कलेक्ट कर दिया कलेक्ट करते गए करते गए करते गए फिर जब हम बात करते हैं तो हमें मिस्टेक्स हम ये नहीं सोचते कि हमें क्या बोलना है हम ये सोचते हैं कि कोई मिस्टेक ना हो जाए अगर मैंने नाउन कोई गलत बोल दिया ये सारे लोग मुझ पे हंसेंगे ये मुँह ते खिलंदा पोइ इन शइ खे थोरो हटाए करे पंहिंजो ॻाल्हाइणु शुरू कयो थोरो ॻाल्हायो घणो ॻाल्हायो नाउन जी मिस्टेक आहे भले हुजे मिस्टेक क्या करेंगे बच्चा कीअं सिखंदा आहे ॿारु छो सिखंदो आहे छो जो ॿार खे भउ न आहे हूंदो त फलाणो मुँह ते खिलंदो हीअ मुँह ते तंज़िया मिज़ाज कंदो हुनखे हर शइ खां लापरवाह हूंदो आहे हू कुझु सोचींदो न आहे हू पंहिंजे सिखण ते ध्यानु ॾींदो आहे माण्हुनि ते ध्यानु न ॾींदो जॾहिं हू पंहिंजे सिखण ते ध्यानु ॾींदो आहे त ऑटोमैटिकली सिखंदो वेंदो आहे ऐं असां छा सोचींदा आहियूं असां सोसाइटी जे बारे में सोचींदा आहियूं असां माण्हुनि जे बारे में सोचींदा आहियूं असां सोचींदा आहियूं मथां अॻिले खे बुरो लॻे असां सोचींदा आहियूं मथां ग्रामेटिकल मिस्टेक थिए पोइ अहिड़े क़िस्म जे शयुनि जे करे असां ॻाल्हाए न आहियूं सघंदा असां कम्युनिकेशन न आहियूं करे सघंदा ऐं जॾहिं ॻाल्हि अचे थी कम्युनिकेशन जी त कम्युनिकेशन इज़ अ मेन थिंग कम्युनिकेशन हिकिड़ी बेस्ट थिंग आहे ऐं मेन थिंग आहे जेसीं ताईं तव्हांखे कम्युनिकेशन स्किल न आहिनि भले केतिरो बि ॻाल्हाइणु अचे केतिरी बि ॿोली सिखी वियो छा बि कयो वट इव यू हैव डन हियर इफ यू डोंट हैव स्किल टू मेक द कम्युनिकेशन मीन्स यू आर नथिंग एट द टाइम यू कैन नॉट कन्वे द पर्सन अब कम्युनिकेशन की बात आती है वॉट इज कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन होता क्या है कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन जो मतलब आहे अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग अनदर पर्सन असि बुधाई त कम्युनिकेशन की माना है राबो करण जैसे तबो क्या मूसा राबो दैट इज अ कम्युनिकेशन दैट इज नॉट द कम्युनिकेशन ये कोई कम्युनिकेशन नहीं है they can be argument, that can be fight, that can be a debate, that can be any other the thing. That thing isn't a base on a communication. क्योंकि जब हम communication की बात करते हैं तो communication में understanding होती है. Understanding कैसी होती है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ मां तवा असां गलहां दो पो जड़ी असां गलहां नहीं हूं ना तो असा की अंडरस्टैंड करो अगले के समझी करे असा उनके समझी करे उहा गाल क्यों ने एकड़ो मानू आ जेके नॉलेज आ बायोलॉजी जी एकड़ो मानू आ जेके नॉलेज आ इंग्लिश लैंग्वेज जी उन्हीं के मावड़ो चाइना जी गाली कया जाहिर सी गाल अगलो बोर थिंदो या मतलब चाहे अगले के समझणो आ अगलो बुधण चादो जाए जको अगलो बुधण चाहे तो ताकि उहो अगले के प्रोवाइड करणो आ उहो अगले के देणो आ अगले जी सोच जे मुताबिक अगले जी समझ जे मुताबिक अगले जी एक्शन जे मुताबिक अगले जी नॉलेज जे मुताबिक तमा के उहा गाल करणी आ वो असा के छा करणो आ वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर पर्सन हमें पर्सन को जिसके साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको समझना है जैसे असा उनके समझी व्यासे वी हैव अंडरस्टैंड आवर पर्सन हमने उसको समझ लिया अब समझना कैसे है कैसे समझी सकूंगा अंडरस्टैंड करण एतरो आसान है जैसे असा अंडरस्टैंड करना आयो तो अंडरस्टैंड करने का पहले छा करना आयो पहले हम क्या करते हम पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं असा उनके ऑब्जर्व करना आयो ऑब्जर्व करने केड़ी सोच दस केड़ी गालियों दस ये तो ना ये कोई रस्ते उनके वेठो अंडरस्टैंड कया चवा मैं इनके समझी हाँ ये न समझी सी धक वेंदे कि कोई भी न समझी सकता उनके ऑब्जर्व करो ऑब्जर्व क्या करो उनको थोड़ा बुधणो आने गाल बुधो उनको ऐसो तो रुजू कड़ी शे की तरफ आधन चाहे तो वो गल चाहे तो उनकी सोच कड़ी आसा चाहूँ तो मूट कोई आयो मुख्य अची कर चीं तो भाई साहब सर आपका एक्सेंट अच्छा नहीं आप नेटिव स्पीकर की तरह बोलते हैं वो मुझे चे तो अंग्रेजन वागू गल ये असि सोसाइटी में ना असा पान वागू गल घुर्जे असा पाकिस्तानी गल घुर्जे अगर मैं उनके चंदम न गलत आंदू ये नींद मुझो एक्सेंट सही आ अमेरिकन एक्सेंट यूज़ क्या अमेरिकन एक्सेंट परफेक्ट आड़ी किस्म आर्ग्यू पेश कदम ना कह यार भाषा में ही को असि सोसाइटी में मारो दादो ये को मारो बाबू ये को मुझे चाचो ये को एस पी फलानो ये गलो तू वो अंग्रेजन वागू तो गलाय जैसे अड़े किस्म जहाँ आर्ग्यूमेंट पेश कदम तो उत कम्युनिकेशन क्योंकि अब वहाँ पे कम्युनिकेशन होगा दैट इज़ नॉट द कम्युनिकेशन वहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं होगा वहाँ पे आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएगा क्योंकि मैं कमेंट करूँगा अपने खुद को बेहतर बनाने के लिए वो कमेंट करेगा नहीं भाई आप गलत हो मैं खुद को अच्छा करूँगा वो मुझको बुरा करेगा वो मेरे प्रोडक्ट को बुरा करेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आर्ग्यू हो जाएगा उतने आर्ग्यू थी उतने बहस मुबहस शुरू थी माँ साबित कह माँ सही आ साबित कह हो सही आ न पो उनके मज़ो इंदो मूसा गलायण में न मुखे मज़ो इंदो हन सा गलायण में हु मुमा बोर थींदो आई मा मु हनमा बोर थींदो हो चंदो यार केड़ो मुखे चरियो लगो शुरू थी वियो अलाए केड़ी अंग्रेज़ी आणा आणा करे गलाए पियो मां अलाए केड़ो लगो गाली न पियो समझे समझाए समझाए थक जी बीमार पो चवणो चाहे अगलो जिका भी गाल कदो भले नेगेटिव आ छो जो उन जी कुछ भी चवण सा ताके फर्क न तो पए एकड़ी दफे जी गाल तो सोक्रेट्स के सोक्रेट्स को हमारे जैसा कोई सिंधी था तो उसने गाली दे दी तो गाली दे दी तो वो हंसने लगा तो हमारे जैसे एक सिंधी ने पूछा उसे कि भाई उसने आपको गाली दे दी उन्हें तवा की गार डी आई तवा वरी खिलो था आप वरी हंस रहे हो क्यों हंस रहे हो उसने गाली दी है तो उसने कहा कि आई नो माई सेल्फ मैं खुद को जानता हूँ वो क्या बोलता है उसके बोलने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो गाली मुझ पर असर नहीं करेगी क्यों नहीं असर करेगी क्योंकि मैं खुद को जानता हूँ आई नो माई सेल्फ मुझे खुद की क्वालिटीज़ का भी पता है मुझको मुझे खुद की डिसक्वालिटीज़ का भी पता है जो उसने गाली दी वो चीज़ मुझ में हे ई नहीं इन लाइक कम्युनिकेशन में जो मानू तक नेगेटिविटी याद दियारन था या तवा के नेगेटिव सोच ते आन था डजेंट मीन दैट आप इस चीज़ को ना सोचें कि वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट करना चाहता है लड़ना चाहता है आप यू हैव टू फाइनलाइज दैट आपने उसको क्लोज कर देना है चैप्टर को आपने कहा यू राइट आप सही कह रहे हैं यू आर राइट मगर अगर मैं आपको बताऊँ कि मैंने इस वजह से किया उसने मुझे बोल दिया कि आपका एक्सेंट गलत है उसने मुझे गलत साबित कर दिया तो अभी मैं क्या करूँगा मैं कहूँगा सर उसने कहा कि हमारी सोसाइटी में नहीं आता हम ऐसे नहीं बोलते कौन यहाँ बोलता है यहाँ पर गंबट है गंबट इज़ नॉट कराची गंबट इज़ नॉट इस्लामाबाद गंबट इज़ नॉट लाहौर उसने दिस इज़ नॉट न्यूयॉर्क उसने अलग अलग किस्म के एग्जाम्पल दे दिए तो मैं उसको कहूँगा कि हम बहस करूँगा कि हमें कन्वर्ट करना है माहौल बनाना है ये करना है तो वो बंदा बोर हो जाएगा लड़ने लगेगा मुझसे आर्ग्यूमेंट करेगा अगर मैं उसको कहूँगा कि सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं एंड आपका एक्सपीरियंस बहुत सही है एंड आपका बहुत मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपकी बात को मैं तरजीह देता हूँ एंड मानता हूँ मगर हम एक्सेंट क्या है एक्सेंट इज़ नॉट द लैंग्वेज
एक्सेंट मतलब जो कुछ भी वॉट एवर मटीरियल आई हैव रिगार्डिंग एक्सेंट, एक्सेंट के साथ साथ जो कुछ भी पढ़ा है मैं उसको वो बता दे जाऊँ, वो चीज़ें बता दे जाऊँ, तो वो फिर वहाँ पे वो आर्ग्यू नहीं करेगा। जब भी आर्ग्यू करे आप उसको बोले हाँ आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। जब आप अगले को बोल रहे हो कि आप सही कह रहे हो तो वो आगे बोलेगा क्या, चुप हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली, ऐसा जो चुप थींदो ना अगलो बंदो, वो असांखे करणो चाहिए, असांखे अगले के वो ॾियणो आहे, उहो अगलो चाहे छा थो। उन लाइ पहिरीं पहिरीं पॉइंट छा हुई, असांखे अगले खे अंडरस्टैंड करणो आहे, अंडरस्टैंड करणो आहे। अंडरस्टैंड कीअं करणो आहे, असां उनखे ऑब्ज़र्व कंदासीं, ऑब्ज़र्व कीअं कंदासीं, जॾहिं असां हुन सां ॻाल्हाईंदासीं, डिस्कशन कंदासीं, डिस्कशन में असां ऑब्ज़र्व कंदासीं, पोइ ऑब्ज़र्व करे असां उनखे उहो ॾींदासीं, उहो ॿुधाईंदासीं जेको उहो ॿुधणु चाहे थो। छो जो जेसीं ताईं हुनजे मुताबिक़ असां न हलंदासीं तेसीं ताईं असांजी डिस्कशन न थींदी, असांजो कम्युनिकेशन हलियो। हाणे मूं ॾे कोई अचे थो, कोई आप में से कोई भी मेरे पास आ गया, उसने कहा कि यार मैं कराची गया था। मां चयो हाँ कराची वई हुई, या मां चयो हा पोइ कराची वेंदो मां छा कयां। जॾहिं मां हुनखे चयमि हो चए मां कराची वियो, मां चयो पोइ मां छा कयां कराची में, त पोइ अॻिलो छा थींदो, अॻिलो हर्ट थींदो, दिलि न चवंदसि हुन ॻाल्हाइण ते, ॻाल्हि ई ख़तमु थी वई, एंड अप थी वियो। त असांखे वॾे में वरी बीमारी आहे, जेको अॻिलो ॻाल्हि मां कराची वियमि, उते यार झूला खाधा, अरे हा सही आहे ओके, ऐं अहिड़ियुनि शयुनि में असां इंडप करे छॾींदा, अच्छा 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 थोरी अॻिलो ॻाल्हि, अच्छा थोरी अॻिलो ॻाल्हि, ओके थोरी अॻिलो ॻाल्हि, हद खां वधीक बीमार थी विया। पोइ अहिड़े क़िस्म जा वर्ड असां चई करे पंहिंजे कम्युनिकेशन खे ख़राबु करे छॾींदा आहियूं। इन्हनि वर्ड्स खे इग्नोर कयो, एक्सप्रेशन ॾियो, शो द एक्सप्रेशन ऑफ योर, शो योर फीलिंग, थोरी सी स्माइल हुजणी चाहिए, ईअं न त पहिरियों ई हा 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 खिलंदा रहो, त अॻिलो ॿुधी करे चवे त हे त भेण चरियो आहे, पहिरियों ई खिले थो पियो। पोइ हुनजी ॻाल्हि ॿुधो, पहिरियां हुनखे ॿुधी करे पोइ हल्की हुनखे स्माइल ॾेई करे हुनखे तव्हां जवाबु ॾियो। जॾहिं तव्हां हुनखे थोरी स्माइल ॾेई करे हुनखे जवाबु ॾींदो त हुनखे हिकिड़ो तव्हां ते एतमाद थींदो त हीअ मुंहिंजी ॻाल्हि खे सम्झे थो, हीअ मुंहिंजी ॻाल्हि खे अहमियत ॾिए थो। पोइ पहिरियां पहिरियां असांखे हुनजी ॻाल्हि ॿुधणी आहे, पोइ स्माइल करे असां हुनखे आंसर ॾियूं या उन सां डिस्कशन कयूं, उनजो मसिलो ॿुधूं। उहो चवे त मां मानी कंदी, हा मानी कंदी, छा सां कंदई, छा बोर्ड कहिड़ो हुयो, हाणे चयो मुर्गी, अड़े न न मुर्गी खाधे आचरे ॾींहुं मुर्गी, मुर्गी त तव्हां सूमर ते खाईंदा हुयो। मतिलबु हुन सां छा करिणो आहे, असांखे डिस्कशन करणी आहे। जॾहिं असां हुनखे जवाबु इंट्रेस्टेड ॾींदासीं, अॻिलो बंदो ऑटोमेटिकली असांजी ॻाल्हि ॿुधंदो, उनखे मज़ो बि ईंदो ॻाल्हाइण में, असांखे पोइ जेको न ॿुधाइणो हूंदसि न उहो ॿुधाए छॾींदो। ऐं हज़रत अली साईं जो कॉल आहे, तव्हां कंहिं सां बि मिलो था अहिड़ीअ तरह मिलो जो हू आरज़ू करे त तव्हां काश ॿीहर बि मुलाक़ात थिए। पोइ असां जॾहिं कंहिंसां मुलाक़ात कयूं था, अहिड़े क़िस्म जी मुलाक़ात कयो, अहिड़े क़िस्म जो कम्युनिकेशन कयो जो अॻिलो तव्हांजी आरज़ू करे त काश मूंखे मौक़ो मिले त मां हिन सां वरी ॻाल्हाए सघां, हिन सां डिस्कशन करे सघां, हिनखे पंहिंजा मसला ॿुधाए सघां, सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सन, वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर ऑब्जर्वेशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर थिंकिंग अ प्रोसेस, व्हाट द प्रोसेस ही और शी हैज़ टेकन इन देयर माइंड, उनकी प्रोसेस को ही और शी, उनकी जो सारे प्रोसेस है ना, उनकी सोचों को हमें समझना है। जब हम वो करेंगे तो कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली हमारा, वी विल बी स्ट्रॉन्ग मैकेट ए कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेशन में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज से असा पेरों पेरों आयासी, कम्युनिकेशन हल्को हल्को गलायण शुरू होयोसी, यस चयोसी, नो भी चयोसी। हाँ सा जी माँ बोली सकमें कोई गलायण वो न होंद, आई न आने द फॉरनर, मेरे पास कोई बात करने के लिए फॉरनर नहीं था, तो मैं कॉल करता था कॉल सेंटर से, मैं कॉल कदम कॉल सेंटर के उत्ते जैसे असा कह कॉल सेंटर से कॉल उत्तर इंग्लिश लैंग्वेज होंगी, तो इंग्लिश लैंग्वेज के क्लियर कर छदम। तो चाहे सर वॉर यू वॉन्ट हियर, वो पूछते जाते थे, उन्होंने बुधाईंदम गलत हूंदी हुई। हाँ तो मैं ऐसा तो मुझे पाने खिलेंदी आ, जैसे सोची तो मैं ये कें गल गलत सलत हेडो इज एम आर हणी रख जी तीन उन्होंने गलत। आई वॉज मैक कम्युनिकेशन विद हिम, उनसे बात करता था, मुझे बात करने को कुछ नहीं होता था, उनसे पूछता था कि सर देयर इज माई फ्रेंड हु नीड्स पैकेजेस ऑफ मोबलिंक, सो वाट शुड आई डू, इस तरीके से मैं उनसे बात करता था क्योंकि सीख रहा होता था। मैं उन्होंने गलाए कर चवंदा मुझे दोस्त आ हथ जो गाली ठाईंदम, वो चे तो यू फोन नंबर में यूज़ क्या जेज नंबर भलो ना है। तो उनके जैसे हो जाए नो सर हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा है इंग्लिश में, नो सर द नेटवर्क ऑफ फर्स्ट स्पेस एंड वी आर प्रोवाइडिंग डीपर थिंग्स, जो कुछ भी उसके पास होता था वो सारा वो वहाँ पर बोलता जाता था, जो मेरी लिसनिंग होती थी इम्प्रूव होती थी, लिसनिंग के बाद हमारी स्पीकिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो इस तरह से ये रोज़ मेरा काम हो गया था कि किसी ना किसी को कॉल करके परेशान करता था। एंड इन्हीं के अलावा सोशल मीडिया के ज्वाइन क्यों,
सोशल मीडिया में फाइंड द पॉजिटिव पर्सन्स एंड एक पॉजिटिव पर्सन्स को ढूंढ के उनके साथ कम्युनिकेशन करें, उनके साथ कॉल पे बात करें। आपका जो एक्सेंट है, आपकी जो लैंग्वेज है, आपके जो टोन, क्योंकि वो बंदा आप पे हंसेगा नहीं, आप पे टोंच नहीं करेगा, आप पे तंज नहीं करेगा। आप गलत करोगे या सही करोगे उसको फ़र्क नहीं पड़ा। ही और शी हैज़ टू जस्ट अंडरस्टैंड यू, वो आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह आप अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाएं, सुनी लिसन एज मच एज पॉसिबल। इफ़ यू आर लिसनिंग ऑटोमेटिकली यू विल हैव अ स्टोरी देयर टू स्पीक, आप बोलना स्टार्ट करेंगे। असा गाना आधे फसल में जो गाना बुधोसी ने बुधोसी एक दफ़ो बो दफ़ो टियों दफ़ो चौथों दफ़ो ने असा उनके बार बार बुध नहीं ना, वो असंखे पाने ही याद थी पर जैसे वो गाना उड़ा और असा उनका गुड गायण स्टार्ट थी जिते जुमलो ही तो गलाइंदे बुध स्टार्ट जैसे आप बुधो गलैन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हलो गलह भी वैसे कॉल सेंटर से विगारी पचाड़ी को अड़ो ढींद कॉल सेंटर वा भी तुम तंग नंबर ब्लॉक कर छा कॉल कॉल न खड़ा चाहता रोज सागी गाल तो करें तंग ना अस अचू था कई डायरी खड़ो डायरी से जो कुछ भी है दिमाग में हले तो जो कुछ भी टॉपिक्स आज सोसाइटी से लिखो लाइफ से लिखो डेली रूटीन से लिखो बेस्ट फ्रेंड से लिखो या ड्रीम्ड गर्ल से लिखो ड्रीम्ड बॉय से लिखो मम्मा से लिखो पप्पा से लिखो जो कुछ भी दिमाग में है ना उन डेली लाइफ में कुछ न कुछ लिखो उनके लिखी करे ब दफ़ा उनके पढ़ो टू ट्वाइस यू हैव टू डू दैट। आपने दो बार उसको पढ़ना है तुम ब दफ़ा पढ़ी छोड़ो तो उनके बंद करो वो रटो ना दैट इज़ नॉट द रटाफिकेशन कीप इन योर माइंड ये रटा नहीं हमने उसको बंद कर दिया। अब उसके बाद जो कुछ आपने लिखा है वो रिवाइज करें आपने वो रिपीट करना है एंड वो सब कुछ जो कुछ आपने लिखा है ज़रूरी नहीं कि ए टू जी वैसे ही हमने यहाँ पर बयान करना है सागो ही ने बुधा केड़ा कोई इशू ना है तो असंखे करो उन्होंने शेन के वरी गलो गल में पाँच लैंग्वेज में इस्तेमाल करो वो पाँचों पान से गलो पाँचों पान के आइडियाज़ पेश करो व्हाट यू हैव रिटन अबाउट मॉम यू हैव टू मेंशन योरसेल्फ आपने खुद को बताना है कि आपने मोम के बारे में क्या लिखा एंड बड़ी में वही गाल या गाल विसारे छो तो असंखे प्रेपोजिशन से फोकस करो नाउन से फोकस करो एक्सेंट से फोकस करो प्रोनाउन से फोकस करो वर्ब से फोकस करो इन शेन के विसारे छो छो तो जैसे इन शेन दींदी तो असं मिस्टेक्स का डिजंदी असा चंदा मिस्टेक नी वे हे वो थो जैसे अस डिजण लगंदी न डिजण वो मू कहीं भी गलए ना सो ते वो उत एमिनेज आन एम पी एज आन उत लैंग्वेज आ सिंधी लैंग्वेज आ आपने वहाँ पर सिंधी में बात करी है तुम सिंधी गलायोगा तो उतने तुम ना गलाए सो सिंधी में तुम चंदो मां सिंधी में गलाया तो मत उन्होंने बुरू लगी वही मत मैं अड़ी गाल क्या या कहीं ना डाडा डारी चाचा चाची खतरनाक हूँ सफा किलर टाइप जो असा सिंधी हूँ हुआ पुराना तो अड़ी किस्म जो हूँ उन्होंने सामू अस ना गलाए सकता गलड़ी गाल चाहिए एक बी गाली इो लैंग्वेज जो फॉल्ट ना ये शूं सिंधी लैंग्वेज में भी उर्दू लैंग्वेज में भी फॉल्ट चाहे तुम्हारी सोच जो फॉल्ट आ ता हाउ यू आर थिंकिंग आप कैसे सोच रहे हैं आप कैसे बयान कर रहे हैं व्हाट इज द थिंकिंग ऑफ योर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपके थिंकिंग प्रोसेस में क्या आता है आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है तो इन चीज़ों को आप रिमूव करें अचे थो न थो अचे वॉट एवर नहीं आता तो क्या मैं क्या अस्तगफिरुल्लाह खुदा तो नहीं हूँ ना मैं आम सा इंसान हूँ मैं क्या मैं पीएचडी करके आया हूँ आपने ये बोलना स्टूडेंट हूँ I am a student there. So I cannot talk. If I'm making a mistake, what's the fault afterwards? So आपको क्या मसला है मिस्टेक्स कर रहा हूँ करूँगा क्यों नहीं करूँगा मैं करूँगा जैसे तुम लैंग्वेज के गलण समझी रहो बोली के सीखी रहो एंड आउ यू एबल टू टॉक कोई मसला नहीं कि आपने कहा आई एम गो आपने कहा आई गोइंग अड़े किस्म जो मिस्टेक्स थे खेर आ कोई मसलो ना गलए तो वो तुम जैसे तुम गल आपने जब बोलना स्टार्ट कर दिया आई यू आर एबल टू स्पीक ऐसे किस्म की स्टार्टिंग होती है लीव द मिस्टेक्स मिस्टेक्स को निकाल दिया और आपने बोलना स्टार्ट किया बोलते गए आज एक वर्ड बोला कल दो वर्ड बोलेंगे परसों तीन जुमले बोलेंगे ऐसे बिट बाय बिट स्टार्टअप थी मुख्य बुख लगी हद का बुख लगी मानी पी ठीक है मुख्य बुख ढी बुख है हाँ सही मानी के खड़ी करें पेट में विझंदम न विझी सकदम केडा भी वस गया न सही मानी मुझे पेट में न वी अस कहे गिरो भंजासी खाईंदे गिरो भंजासी खाईंदे गिरो भंजासी खाईंदे जैसे अस एक महल पाँ पेट की बुख ना मिटा सूँ तो अस एक महल बोली के कें सीखी सूँ हर शे के करण ला टाइम लगन टाइम असंखे थोड़ो दियणो पव शे होंगी मोटिवेशन मोटिवेशन इज़ टेम्प्ररी मैं आया आपको बड़ी बड़ी बातें करती भाई ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो आपने बोल दिया कि बंदा तो बोल के गया ये भी करो वो भी करो उसको तो हमारा पता ही नहीं कि हमारी डेली रूटीन कितनी बिजी है ये क्या करते हैं वो क्या करते हैं मतलब अड़े किस्म जो शेयर है वो असर चाह चाहते हूँ मोटिवेशन इज़ नथिंग मोटिवेशन कुछ भी नहीं होता इंस्पिरेशन इज़ अ मेन थिंग आपने खुद के अंदर इंस्पिरेशन बतानी है बनानी है
मैं आपको मोटिवेशन दे के गया, एक दिन इसका असर होगा, दो दिन इसका असर होगा, तीन दिन इसका असर होगा। इहो फॉर एवर लाइक कंटिन्यूसली न रहंदो, इहो छा हूंदो टेम्परेरी हूंदो, जेको रुकजी वेंदो। जेकॾहिं तव्हां पंहिंजो पाण में इंस्पिरेशन जाॻाईंदो, मोटिवेशन अॻिले की आवाज़ सुन के हम कुझु करणु चाहते, एंड इंस्पिरेशन क्या होती है, अंदर से आवाज़ होती है। आपको सारे लोग बोलेंगे कि यार नहीं करो, नहीं करो, इसको छोड़ दो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आप फिर भी कहोगे नहीं मुझे करना है, कुछ भी हो जाए करना है, मतलब वो सारे आपको पीछे हटाने की कोशिश करेंगे। आप फिर भी खुद को पीछे नहीं कर सकोगे, आपने फिर भी वो चीज़ सेम टू सेम उसी अंदाज से करनी है, छुपा के करनी है, इनको नहीं बताना कि आप ये चीज़ करें। अगर मुँह में आए जो करें माँ चवा दो आए माँ आर्मी आर्मी जो कुछ बनजन चाहें तो जस्ट लाइक टैक इन द एग्जाम्पल, मुझे अम्मी ने बोल दिया आपको नहीं बनना, अबू ने बोल दिया आपको नहीं बोलना, सब ने कहा कि आपने नहीं बनना, नहीं बनना, तव्हांखे न थियणु ॾींदासीं, तव्हांखे न अचिणो आर्मी खे छॾियो, हीअं थींदो हूअं थींदो, हुननि वॾियूं वॾियूं कमेंट्स ॾिनियूं। जॾहिं मोटिवेशन ॿियो कोई ॿुधाईंदो त मां छॾे ॾींदमि, जॾहिं मूंखे अंदरि जी इंस्पिरेशन हूंदी, मूंखे अॻिला चवनि था तव्हांखे इहो कमु नाहे करिणो, तव्हांखे इहा शइ नाहे करणी, उहे रड़ियूं करे 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 थकिजी पवंदा न, पोइ बि मुंहिंजी अंदरि में साॻी ॻाल्हि हूंदी, हिन कान मां ॿुधंदुमि, हिन कान मां कढंदो वेंदुमि, उहे सॼियूं शयूं विसरी वेंदियूं। ऐं साॻी ॻाल्हि जॾहिं पंहिंजे मुंहुं सां वेहंदुमि, आर्मी जा सॉन्ग ॿुधंदुमि, आर्मी जा ड्रामा ॾिसंदुमि, आर्मी जो मूवीज़ ॾिसंदुमि, मतिलबु आर्मी खे न आहे छॾिणो, छो जो मुंहिंजे अंदरि जी आवाज़ आहे। पोइ जेके ॿाहिरि जूं आवाज़ूं अचनि थियूं, इन्हनि ॿाहिरि जी आवाज़ुनि खे कढो ऐं पंहिंजे अंदरि जी आवाज़ खे जाॻायो, छो जो जेसीं ताईं तव्हां पाण कुझु नथा करणु चाहियो, मां केतिरो बि ॻाल्हायां, अबू अम्मी वारा केतिरो बि ॻाल्हाइनि, अदा केतिरो बि ॻाल्हाए, अदी केतिरो बि ॻाल्हाए, चाचू केतिरो बि ॻाल्हाए, सभु मथो हणी 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 थकिजी पवंदा, जेसीं ताईं तव्हांजो पंहिंजो शौक़ु नाहे कुझु बि न करे सघंदो। मीन्स यू कैन नॉट डू, आपने अगरि कर बि लिया तो इस करने का क्या फ़ायदा, आप फिर अपने पैशन के लिए नहीं करोगे, आप तव्हांखे कोई जज़्बो न हूंदो, तव्हां पैसनि जे लाइ कंदो, पैसा ईंदा, कुर्सी ते वे पुजी वियो, तव्हांखे अमी चयो अबू अमी ज़बरदस्ती डॉक्टर बणाए छॾियो, डॉक्टर बणिजी वियो, तव्हांखे शौक़ु ई न आहे डॉक्टरनि था बणिजणु चाहियो, उनजे बावजूद बि महिनत करे 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 डॉक्टर बणिजी वियो। कुर्सी ते वेहण में मज़ो ईंदो पर कमु करण में मज़ो न ईंदो, पोइ उहो कयो जेको तव्हांजी दिलि चवे थी, उहो कयो जंहिंमें तव्हां पाण मुतमिन आहियो, उहो कयो जेको तव्हां पंहिंजो पाण खे करणु चाहियो था। एंड डोंट गो इन टेम्परेरी थिंग्स, आप टेम्परेरी चीज़ों में ना चले जाएं। हमारी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ थिंकिंग प्रोसेस होता है फॉरएवर होता है, कुछ थिंकिंग प्रोसेस टेम्परेरी होता है। अॼु मां चयो मूंखे दर्ज़ी थियणो आहे, सुभाणे मां चयो न मूंखे दर्ज़ी न थियणो, मूंखे काठु भॼणो आहे, रखणु थियणो आहे, वरी परीअ मां चयो मूंखे उत्साह थियणो आहे, वरी तो परीअ मां चयो मूंखे फलां करिणो आहे। पोइ इन्हनि सोचनि खे छॾियो, जेकॾहिं तव्हांजी फॉर एवर पैशन आहे, ड्रीम आहे, एनी हाउ तव्हां सम्झो था त इहो तव्हां कुझु बि थी वञे, इहा शइ न छॾियो, तॾहिं अहिड़े क़िस्म जो फ़ैसिलो वठो ऐं फ़ैसिलो वठी करे पंहिंजे पेरेंट्स खे उनजो हिसो बणायो, एंड देन यू कैन डू समथिंग। फिर उसके बाद आप कुछ कर सकते हैं, जब आप तब मुतमिन होंगे जबकि आपके घर वाले मुतमिन होंगे। इसके लिए आपने अपने घर वालों को मुतमिन करना है, आपने खुद को मुतमिन करना है। मीन्स सोसाइटी मैटर नथी करे, सोसाइटी कॾहिं बि कोई बि मैटर नथी करे, सोसाइटी छा चवंदी, फलाणो चाचो छा चवंदो, अबू वारो दोस्त छा चवंदो, अम्मी वारी दोस्त फलाणी ॻाल्हाए छा चवंदी, तू वारो पुटु त फलाण पियो करे, इन्हनि खे छॾे ॾियो माण्हू। फोकस ऑन योर पेरेंट्स, छो जो तव्हांखे उन्हनि नाहे पालियो, उन्हनि तव्हांखे नंढो करे वॾो नाहे कयो, उन्हनि तव्हांखे हथ खां वठी नाहे घुमायो। तव्हांखे पंहिंजे अबू अम्मी जे बारे में सोचणो आहे, उन्हनि जे बारे में नाहे सोचणो त उहे छा था पहुचनि सोचनि, उन्हनि जो छा थिंकिंग प्रोसेस आहे। पंहिंजा फ़ैसिला पंहिंजे अबू अम्मी जे हथनि में ॾियो। असांखे लॻंदो आहे त असां ई सही आहियूं, हीअ जेका एज आहे न, हमें लॻंदो आहे की मेरी अम्मी ग़लति आहे, अम्मी को यार छोड़ो, अम्मी की पुराणी सोच, पता नहीं क्या सोच थी रहे, अम्मी को पता है कि मैं कौन सी सिचुएशन में हूँ, अबू को यार तो छोड़ो, उसको यूनिवर्सिटी का पता ही नहीं, बड़ी बड़ी बात कर, मैं यूनिवर्सिटी जाता, मुझे वहाँ के सोसाइटी का पता, टीचर्स का डंडा देते हैं, मारते हैं, मार्क्स काट देते, ये करते वो, बड़ी बड़ी बात करते, अबू को नहीं पता, अम्मी को नहीं पता। जिस अम्मी ने आपको बड़ा किया, जिस अबू ने आपको बड़ा किया, उनको नहीं पता, आपको पता है, उनको हर चीज़ का पता है। कहीं भी तुम्हारा पेरेंट्स तुम्हारे बुरो न चाहिंदा, जो भी चाहिंदा तुम्हारी फेवर में चाहिंदा, थी सके तो मे भी था, उन्हें जो तरीको गलत हो, पर उन्हें नियत करें गलत ना ही होती। वॉट एवर दे आर डूइंग, वो आप सबकी फेवर में है। इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग, टेक द फेवर ऑफ एयर, उनकी आप सजेशंस को लें, उनकी आप सलाहियतों को, उनकी क्वालिटीज़ को, उनके एक्सपीरियंसिस को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करें। आपको हमें लगता है कि हम सही हैं, मगर दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि जब मौला अली जो कोला जॾहिं तव्हांखे लॻे त मां सही आहियां, बाक़ी सभु ग़लति आहिनि, त सम्झी वञो त उहे सभु सही आहिनि, तव्हां ग़लति आहियो, छो जो कॾहिं बि असां हर दफ़े सां हर टाइम सही
नतासिसम, we have to think about other people, we have to think about ourselves, we have to think about our society members, we have to think about our future, we have to focus on each and everything. हमें हर एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा अगर हम कुछ रियली में करना चाहते हैं, अगर हम बढ़ना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं. हमारी इंग्लिश की लेवल आज अगर यहाँ तक है, कल हम इसको यहाँ तक बना सकते हैं, फिर यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक. धीरे धीरे हम इन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे और इन चीज़ों को बढ़ाएंगे. अगर आपने ये सोच लिया कि मैंने आज कर भी लिया, कल कौन करेगा, ये एक थिंकिंग तो हमने बना ली कि आज मैं करूँगा. आप हमने आज सब ने आज ये स्टार्ट कर दिया कि यस नो ये बोलना है, वो बोलना है. कल कौन करेगा, परसों कौन करेगा. दैट इज़ नो जस्ट अ मोटिवेशन. आई डोंट वॉन्ट टू गिव अ मोटिवेशन, आई वॉन्ट दैट कि आप सब में इंस्पिरेशन होनी चाहिए. आपने खुद की इंस्पिरेशन को बनाना है, खुद की इंस्पिरेशन को जगाना है. एंड डेली लाइफ में जस्ट द थिंग इजंट बेस्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज. मैं सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा. वॉट एवर यू आर डूइंग, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको करें, डू दैट. उसमें अपना जज्बा जगाएं, उसमें खुद को जगाएं, इमोशंस जगवाएं, खुद की सोचों को, खुद के मटेरियल को, खुद की नॉलेज को इस्तेमाल करें. कितनी भी नॉलेज आए, चाबी आए, जैसी थी उन नॉलेज जो कोई इस्तेमाल ना है, वो नॉलेज कहीं भी कमजी ना है. वो जिका भी नॉलेज आए, बाकी पढ़ पढ़ा हे भी रटो है उसे, हो भी रटो है उसे, यू रटो कहीं भी कमजो ना है. रटो तॾहिं कमजो आहे जॾहिं असांखे अंडरस्टैंडिंग हुजे, जॾहिं असां उनखे शइ खे सम्झी सघूं, उनजो मक़सदु बि सम्झी सघूं था. इन पढ़ण जो मक़सदु छा आहे, जेको कुझु बि पढ़ो था त पहिरियों त उन शइ जो मक़सदु पढ़ो. तव्हां पंहिंजे टीचर्स खे मजबूर कयो त तव्हांजा टीचर्स तव्हांखे उनजो मक़सदु ॿुधाइनि. कोई टीचर अचे थो तव्हांखे केमिस्ट्री पढ़ाए थो, काई टॉपिक पढ़ाए थो, तव्हां उनखां पुछो त सर इहो असां पढ़ूं था अथा, हिन पढ़ण जो मक़सदु छा आहे, असां हिन शइ खे पंहिंजी डेली लाइफ में इस्तेमालु कीअं करे सघंदा. कोई मैथामेटिक्स जो टीचर आहे, एक्स इज इक्वल फलां 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 फलां, वॾी वॾी ॻाल्हि करियो, त तव्हां उनखे असांखे सभु पढ़ाईंदा वेंदा आहिनि. ऐं असांजे स्कूल सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में छा हूंदो आहे, ॿार खे पढ़ाइणो आहे, ॿार खे पढ़ाइणो आहे, कोर्स पूरो करिणो आहे, हे करिणो आहे. जेकॾहिं उस्ताद कई मोटिवेशन जी ॻाल्हि करे वियो, हेॾो हुन जी ॻाल्हि करे वियो, चवंदा मास्तर रुगो वेठो टाइम पास करे, ॿियो को कमु ई न त हवाले करे बीठो आहे थियो. पोइ इन्हनि शयुनि खे थोरो रिमूव कयो. उस्तादनि खां सिखो, वॾनि खां तजुर्बा हासिलु कयो, उस्तादनि खां पर्पस पुछो. जेकॾहिं कोई तव्हांखे उस्ताद काई बि टॉपिक पढ़ाए थो, मां तव्हांखे काई ॻाल्हि पढ़ायां थो, मां तव्हांखे कुझु बि चवां थो, ॿियो को उस्ताद तव्हांखे कुझु चवे थो, त उन खां पुछो त इन पढ़ण जो मक़सदु छा आहे. जेकॾहिं मां केमिस्ट्री में फलां पढ़ी वियमि त हिनखे मां कीअं पंहिंजी डेली लाइफ में इस्तेमालु कंदमि. पोइ कोशिशि कयो उन्हनि शयुनि खे पंहिंजी डेली लाइफ में इस्तेमालु करण जी. जेकॾहिं मां तव्हांखे चयमि बायोलॉजी पढ़ो, त बायोलॉजी जो तव्हां टीचर खां पुछो त सर तव्हां बायोलॉजी पढ़ायो था त इन जो मक़सदु छा आहे, इन मां बायोलॉजी खे पंहिंजी ज़िंदगी में कीअं इस्तेमालु करे सघां. चलो ठीकु आहे, मां पढ़ी त वियमि, इको सिस्टम मूंखे सॼो यादि थी वियो, बायोटिक अबायोटिक फलां फलां पॉपुलेशन सारा कुझु मैंने पढ़ लिया. आपको पता तो होना चाहिए कि आपने क्यों पढ़ाए, किस वजह से पढ़ाए. पढ़ के करोगे क्या, चांद को तोड़ के लाओगे क्या, तारा पकड़ींदो छा, पढ़ी कंदो छा. मक़सदु ख़बर हुजे, केमिस्ट्री पढ़ी वियासीं, फिज़िक्स पढ़ी वियासीं, इंग्लिश पढ़ी वियासीं, मक़सदु असां एमलेस बणिजी विया आहियूं. असांखे मशीन हूंदी आहे, बटण हयोसीं मशीन हेॾे वेंदी आहे. उन मशीन खे ख़बर न हूंदी आहे मां इहो छो थो कयां. असां पंहिंजो पाण खे मशीन बणाए छॾियो आहे, असांखे ख़बर न आहे असां इहो छो था कयूं. पोइ असांखे इन शइ ते फोकस करिणो आहे, जेको कुझु बि असां कयूं था छो कयूं था, छाजे करे कयूं था, इन जो मक़सदु छा आहे. जेकॾहिं करे बि वियासीं, करे कहिड़ो असां तीर मारींदासीं, कर क्या लेंगे करके. सो दैट इज़ रिक्वेस्ट ऑफ माइंड टू यू ऑल. ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो कुछ भी कर रहे हैं उसको दिल से करें, दिमाग से करें और सबके साथ मिलकर करें. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द टाइम ऑफ योर्स, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू.